ये जो तुम्हारा सचिन तेंदुलकर ना क्या नाम है उसका क्रिकेट प्लेयर, अगर वो 10th क्लास में अगर फेल ना होते तो आज इतना बड़ा क्रिकेट नहीं बनते। मैसी फुटबॉल प्लेयर, वो गाइस अपने टैलेंट को फॉलो किया था, मतलब उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो गाइस देखो आज कितना बड़े वो सक्सेस प्लेयर हो चुका है। तो अपने टैलेंट को पता करो, देन उसी के अंदर आप लोग 100% दे दो। आपके मम्मी पापा आपको जबरदस्त आपको ये काम करवा रहे तो मत करो, आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो। मैं बार बार बोलूंगा आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो, देन उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो। अगर आप लोग वो चीज़ करोगे तो आप लोग लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। ऐसा सबर नहीं जो आपको बैठे बैठे सामने दोगे यार मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं मिलियंस में सब्सक्राइबर ले लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सबर का फल बताइए आपको मेहनत करते करते गाइस, मतलब मेहनत जब क्लब करते रहोगे उस टाइम भी आपको सबर करना है। हाँ यार मेरे को सक्सेस पाना है, मेरे को ये चीज़ लेना है, मेरे को ये चीज़ लेना है, तो आप अपने लाइफ के अंदर सबसे बड़े चीज़ कर पाओगे। अगर आपको यूट्यूब करना है तो यूट्यूब पे 200% दे दो। 100% तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको 200% देना होगा। रात दिन मेहनत करो गाइस, अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल आप उसका फल खा पाओगे। पीछे से पेड़ देख रहे हो ना, ये आज तुम लोगों ने अगर लगाया तो आज ही तुमका फल नहीं मिलेगा, ये भाई 10-20 साल बाद आपको मतलब फल देगा। यार मेरे को वीडियोज डालनी होगा, चाहे व्यूज आए या फिर नहीं, मेरे को डालनी होगी, रेगुलर वीडियो डालना हो। तो दोस्तों ये वाला वीडियो खास करके उन भाई के लिए जो भाई अपने YouTube को एकदम पूरा सीरियस ले लिया है, मतलब गाइस जो प्लेयर्स अभी YouTube पे न्यू आया है और उसका चैनल भी न्यू है, लेकिन वो YouTube को पूरा सीरियस ले लिया, YouTube को पूरा अपने जो जान है वो तक दे दिया, मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के वो YouTube पे घुस गया। लेकिन गाइस देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपका YouTube चैनल न्यू है तो आपको ये वाला वीडियो देखनी होगी। अगर आप लोग ये वाला वीडियो को देखोगे सो आप गाइस अपने लाइफ को एकदम पूरे अच्छे तरीके से गुजार सकते हो, नहीं तो अदरवाइज अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दोगे सो आप गाइस अपने लाइफ के अंदर सबसे बड़े पछतावे हो गए। मतलब अभी तो आप लोग यार मतलब पापा का पैसा खा के घूम रहे हो, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा हाँ यार आखिर मेरे को उस चीज़ों करना चाहिए जो मेरे को करना था। सो देखो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखो, और गाइज आपको जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आप लोग ध्यान से स्कोर सुनना, और प्रैक्टिकली गाइज आप लोग अपने लाइफ के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट करना या फिर उसको इस्तेमाल करना। देखो यहाँ पे मेरे को एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, और ये जो कमेंट गाइज मैं देखने के बाद ऑलरेडी गाइज मैं बहुत ज़्यादा यार कैसे लग रहा था, सोचा यार चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए और उस भाई को इस वाला मैसेज को सेंड कर दिया जाए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और आपने जो जितना भी भाई प्लेयर जितना भी सारा क्रिएटर यहाँ पे हमारा यूट्यूब पे काम करना चाहता है, मतलब यूट्यूब को अपने करियर लेना चाहता है, तो उसको गाइस काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल मतलब चीज़ प्रोवाइड हो सके, तो यार इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर से ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि गाइस हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। YouTube रिलेटेड जो भी चीज़ें YouTube से पैसा कमाना जो भी चीज़ें आप लोगों को मिल सकता है, तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट जाके चेक करो। और हाँ गाइस आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो गाइस, आप लोग गाइस छोटे भाई को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो भाई, 500 सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा क्लोज है गाइस, कर दो ना यार 500 सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए, लेकिन आपका भाई के पूरा मेहनत है इसके अंदर रात दिन का। सो देखो भाई ने मेरे को मैसेज किया था, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको यूट्यूब करना है, मतलब यूट्यूब को वो पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम लेना चाहता है, यूट्यूब को वो मतलब अपने करियर के हिसाब से वो समझ रहा है, लेकिन उसका चैनल अभी तक नहीं बना हुआ है, लेकिन उसका चैनल के अंदर कोई भी सब्सक्राइबर मतलब जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है नॉर्मल उसके पास खुश नहीं होते, वैसा ही वो एक भाई है। देखो उन्होंने ऐसा बोला, देखो उसको मैं ये बात बोलना चाहूँगा, देखो सबसे पहले आप लोग अपने अंदर से एक टैलेंट को ढूंढो, देखो आप लोगों का अंदर कौन सा टैलेंट है, मान लो आपका टैलेंट क्रिकेट खेलना, आपका टैलेंट फुटबॉल खेलना, आपका टैलेंट अदर्स कोई जो भी चीज़ है आपका वो आपका टैलेंट है, अगर उसी को छोड़ के अगर तुम दूसरा चीज़ करने लगे हो तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर आपका टैलेंट आपका अगर इच्छा यूट्यूब पे है तो आप लोग यूट्यूब कर सकते हो। आप लोग एक देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग यूट्यूब को 100% दे दो। सब लोग बोलता है भाई यूट्यूब को पार्ट टाइम लो पार्ट टाइम लो पार्ट टाइम लो, पार्ट टाइम से कुछ नहीं होता है, होता है ब्रो, आपको जिस चीज़ों को भाई पाना है जिसके लिए आप लोग भाई इंतजार करते हो उसके ऊपर आपको 100% देना होता है। बताए एक लड़की के पैसे अगर तुम 100% दे दोगे तो वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन जाएगा, एक ये एक पीछे आप लोग टाइम दे दो वही तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग उसी चीज़ों पर 100% दे दो आपका जहाँ पर टैलेंट है, लेकिन गाइस आपको ना पढ़ाई को छोड़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई को आप लोगों को साथ में रखना होगा। देखो पढ़ाई किसका काम आता है, पढ़ाई गाइस हमको यार बहुत चीज़ों शिक्षा देता है, बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं भाई पढ़ाई करने से भी नौकरी मिल जाएगा ऐसा तो नहीं होगा ना, पढ़ाई करोगे तो नौकरी तो मिलेगा ऐसे तो नहीं, 100% आपको मिल जाएगा ऐसे कौन बोलता है, आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो बात की बात है। आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग पढ़ाई अच्छा लगता है आपको, पढ़ाई करने में पढ़ाई करके आपको बहुत चीज़ों सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं आपको पढ़ाई करोगे एक दिन में कल तुम सुपरस्टार बन जाओगे, तुम नौकरी करने लगोगे, ये बन जाओगे ये बन, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब नौकरी किसी बंदे को मिलता है और 90% बंदे को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही गाइस आप लोगों को मैं बोलूँगा आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से करो, लेकिन गाइस आप लोग यूट्यूब अगर तुमको अच्छा लगता है यूट्यूब का तुम पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम देना चाहते हो तो बोलूँगा मैं फुल टाइम दे दूँ क्या। देखो मैं भी गाइस यूट्यूब का एकदम पूरा फुल टाइम देता हूँ गाइस, सारे दिन ऐसा करता हूँ, पढ़ाई भी उतना नहीं करता हूँ गाइस, सारे दिन यूट्यूब पर काम करता हूँ गाइस, आप लोग सोच नहीं सकते हो, क्योंकि अपने पैशन को मैं प्रोफेशनल बनाया, आप लोग सोच नहीं सकते हो, पहले आप लोग अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशनल बनाइए, अगर आप लोग अपने पैशन को प्रोफेशनल नहीं बनाओगे तो आप सक्सेस कैसे पाओगे, ये
ये जो तुम्हारा सचिन तेंदुलकर ना क्या नाम है उसका क्रिकेट प्लेयर, अगर वो 10th क्लास में अगर फेल ना होते तो आज इतना बड़ा क्रिकेट नहीं बनते। तो 10th क्लास में वो फेल हो गया था, आज वो क्रिएटर की ना भाई नंबर वन बना, उसको भाई एकदम उसका जो ये है ना वो बुक्स में छपा गया है। तो आप लोग सोच सकते हो पढ़ाई मढ़ाई सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आपको शिक्षा मिलता है, ऐसा नहीं आपको नौकरी मिलेगा। तो ऐसे ही गाइस आप लोग उस सचिन तेंदुलकर के जैसा आप लोग अपने टैलेंट को पता करो, उन्होंने गाइस अपने टैलेंट को वैसे मतलब फॉलो किया मतलब क्रिकेट को। अदरवाइज देखो मैसी फुटबॉल प्लेयर, वो गाइस अपने टैलेंट को फॉलो किया था मतलब उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो गाइस देखो आज कितना बड़े वो सक्सेस प्लेयर हो चुका है। तो ऐसे गाइस आप लोग अपने टैलेंट को पता करो, देन उसी के अंदर आप लोग 100% दे दो। अदरवाइज अगर आप लोगों को उधर 100% मतलब टैलेंट आपका, अदरवाइज अगर आपका टैलेंट उधर नहीं है तुम उधर 100% दे रहे हो तो आपको कुछ भी फायदा नहीं बोला वाला है, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा आपको जबरदस्ती आपको ये काम करवा रहे तो मत करो, आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो। मैं बार बार बोलूंगा आप लोग अपने पैशन को फॉलो करो, देन उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो। अगर आप लोग वो चीज़ करोगे तो आप लोग लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। तो गाइस देखो सक्सेस तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। आपको सबर करना होता है, आपको सबर का फल मीठा होता है। देखो ऐसा सबर नहीं जो आपको बैठे बैठे सपना दोगे यार मैं गाड़ी खरीद लूंगा मैं मिलियनेयर में सब्सक्राइबर ले लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सबर का फल मत है, आपको मेहनत करते करते गाइस मतलब मेहनत जो आप क्लब करते रहोगे उस टाइम भी आपको सबर करना है। हाँ यार मेरे को सक्सेस पाना है, मेरे को ये चीज़ लेना है, मेरे को ये चीज़ लेना है, तो आप अपने लाइफ के अंदर सबसे बड़े चीज़ कर पाओगे। जो कि गाइस ये मैसेज मैं उस भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट के साथ उसको भेज रहा हूँ, जो भाई ने मेरे को कमेंट किया था उसको YouTube करना है मतलब उसको YouTube अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। सो देखो आप पढ़ाई करो मतलब आप 100% में 40% या फिर मान लो 50% आप पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन सारे के सारे 100 जो पर्सन है मतलब सारे के सारे मतलब आपका जितना भी पर्सन है जितना दे सकते हो आप यूट्यूब पे दे दो। जैसे आपका भाई का वाला चैनल आप लोग देख रहे हो, न्यूज चैनल कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, जो गाइस आप लोग सोच नहीं सकते। तो मैंने 100% दे दिया और आज गाइस आप लोग देख सकते हो इस चैनल के अंदर ज़्यादा व्यूज मतलब एकदम अच्छा खासा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जो कि गाइस 500 सब्सक्राइबर की हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है। तो ऐसे आप लोग अपने जो पैशन है उसको फॉलो करो एंड उसके साथ साथ आप लोग उसको प्रोफेशनल के साथ कन्वर्ट करो। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोग गाइज सचिन तेंदुलकर और हमारा मैसी भाई को देखो, देन उससे आप लोग कुछ पता करो। हाँ यार लाइफ में को अगर कुछ करना है तो अपने टैलेंट को ढूंढो, टैलेंट को आप लोग प्रोफेशनल बनाओ, तो ही आप लोग लाइफ के अंदर सक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग जिस चीज़ों पर अगर मन नहीं है, तुमको गाड़ी लोड करना नहीं आता है, तुम्हारा मम्मी पापा को तुमको गाड़ी लोड करने भेज दिया तो आपको ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको जिस चीज़ों पर मन लगता है आप लोग वही करो, मैं वही बोलूँगा। और जहाँ पे आपका 100% लगता है मैं इस चीज़ों से कुछ कर पाऊँगा तो आप लोग उस पर 100% दे दो। अगर आपको यूट्यूब करना है तो यूट्यूब पर 200% दे दो। 100% तो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन आपको 200% देना होगा, रात दिन मेहनत करो गाइस। अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल आप उसका फल खा पाओगे। तो पीछे से पेड़ देख रहे हो ना, ये आज तुम लोगों ने अगर लगाया तो आज ही तुमको फल नहीं मिलेगा, ये भाई 10-20 साल बाद आपको मतलब फल देगा। तो ऐसे गाइस आप लोग ऐसे सोच कर अपने यूट्यूब चैनल बनाओ एंड उसके अंदर आप लोग अच्छे तरीके से वीडियोस मेक करो। देन ये सोचो यार मेरे को वीडियोस डालनी होगा, चाहे व्यूज आए या फिर ना आए मेरे को डालनी होगी, रेगुलर वीडियो डालना होगा। एक बार एक वीडियो डालो, दो वीडियो डालो, जितना मर्जी हो सकता है आप लोग डालो। आपका भाई को देखो यार दिन में गाइस 3 दिन वीडियो अपलोड करता है, आप लोग सोच नहीं सकते हो भाई 30 दिन में 90 वीडियो का चैलेंज नहीं है इस भाई ने तुम्हारा। ऐसा नहीं मैं हवा पे बात कर रहा हूँ, या फिर देखो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो भाई इतना मेहनत किया ना मैं भाई, ये सिर्फ हमको ही पता है ना, ये सब हमको पता है और जो भी बंदा क्रिएटर मेरे को देखता है उनको ही पता होता है सुबह भाई कितना हार्ड वर्क कर रहा है इस टाइम पे। तो गाइस अभी मैं सो रहा था सीरियस हूँ, अपने अपने जो पैशन है उसको मैं प्रोफेशनल बना रहा हूँ। तो गाइस आप लोग भी ऐसा करो, अदर किसी को देख के जलो मत, अदर किसी को देख के उसका वो जहाँ पे भाग रहा है तुम भी वहाँ पे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो पढ़ाई में अच्छा करता है वो तो वो पॉलिटिकल बन जाएगा तो उसका पीछे भागोगे तुम ऐसा बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपको जिस चीज़ों पे मन लगता है आप लोग वही करो, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। तो गाइस आप लोग मैं जो बात बताया यहाँ पे सचिन तेंदुलकर और हमारा मैसी भाई, ये दो क्रिएटर के साथ मतलब ये जो प्लेयर के साथ आप लोग इसको मतलब इमेजिन कर सकते हो। देखो इस दोनों मतलब लड़का कितना अच्छे तरीके से अपने सक्सेस को अचीव किया है, अपने प्रोफेशनल मतलब अपने पैशन को फॉलो करके। तो आप लोग वही करो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गया मेरे को पता है गाइस, आज एकदम जोश जोश के मैं आपके सामने बता दिया। इधर मैंने पिकनिक खाने के लिए आया था गाइस, देखो पिकनिक छोड़ के गाइस यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, बोला था मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए मैं ये वाला वीडियो बनाने अभी बैठ गया। मैं भाई पिकनिक खाने के लिए आया, ऐसा नहीं भाई इधर मैं वीडियो बनाने के लिए आया। देखो यहाँ पे एक मेरा घर से बहुत दूर है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर होगा इधर। सो इधर मैंने वीडियो बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि देखो उधर सब लोग पिकनिक खा रहे, वो दिखाई दे रहा है या फिर नहीं आई डोंट नो उस तालाब के पीछे। सो उधर वो लोग पिकनिक खा रहा है, हम थोड़ा सा इधर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए ही गाइस, आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं खुद के लिए शूट कर रहा हूँ। आप जो बोला मैंने उसका आंसर दिया और जितना भी क्रिएटर अपने जो पैशन है उसको प्रोफेशनल बनाना चाहता था, तो आप लोग इस वीडियो को देखो, देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है कैसा मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगा या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और गाइस आप लोग कमेंट के अंदर भर देना आपको
आपने लाइव के अंदर आपको क्या करना है, और जल्दी देखो अभी मैंने खाना खाता है बुरा लगे तो जाके मैं खाना खाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को मैं मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।